नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार फिर से आप सभी के एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम चल रहे हैं आपको बताने मशरूम उत्पादन के बारे में, जो कि हमारे सीवर से विनोद जी आए हुए हैं। जी वो भी SCW है सीवर से। तो किस तरह से मशरूम उत्पादन करते हैं, आपको एकदम कम से कम लागत में मशरूम उत्पादन के विधि और उनके सामग्री के बारे में बताएंगे। तो चलिए आप हमको दिखा रहे हैं, राज के बारे में कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप राजेश कुमार हुआ, मैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मशरूम के मास्टर ट्रेनर हूँ। अच्छा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मशरूम के मास्टर ट्रेनर है आप। तो ये आप मशरूम अपने आप को घर पर तैयार करने की विधि बताते हैं। जी जी जी, उसमें लागत भी कम लगता है। बिल्कुल, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि 10 किलो भूसा में 1 किलो ऑस्टर मशरूम का बीज लगते हैं। अच्छा, 10 किलो भूसा में 1 किलो ऑस्टर मशरूम का बीज लगते हैं। और अगर बटन विधि करते हैं तो 1 क्विंटल में आधा किलो बटन का बीज लगते हैं, बटन कंपोस्ट में। कंपोस्ट में अगर भूसा से करते हैं तो 1 क्विंटल भूसा में 1 केजी बीज लगते हैं। 1 क्विंटल भूसा में 1 केजी बीज। तो ये जो अभी आप तैयार करवा रहे हैं, ये कौन सी ऑस्टर मशरूम कर ऑस्टर मशरूम तैयार करवा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या सी सामग्री जो लागत के बारे में, यही सामग्री है कि भूसा और स्पान और पोलोथिन की जरूरत। ये तो भूसा गीला है, इसको आप क्या करवाए हैं? इसको हमने भूसा को सबसे पहले बाते हैं कि गर्म पानी में धोवाए हैं, और पानी में धोवा कर उसको हंजर में मानी चढ़ा कर चूल्हा पर इसको गर्म करवाए हैं। गर्म करवाने के बाद में उसमें से भाप निकलना शुरू हो गया है, तो उसको पलटी करवा दिए हैं, माने रखवा दिए हैं 5-6 घंटा एक खेती में भिगौना में रख दिए, उसका पानी गला। उसके बाद में नमी कम करने के लिए थोड़ा पसार दिए हैं, नमी कम हो गया है। और नमी कम होने के बाद में इसको क्या करेंगे कि 10 किलो भूसा में 1 किलो बीज लेंगे, आधा किलो बीज, आधा किलो बीज को मिलाएंगे। और मिलाने के बाद में क्या करेंगे कि इसको बैग पोलोथिन में बना लेयर बाय लेयर करके और उसको पैकिंग करके और हम उसको सुरक्षित जगह रखें। तो इसको जब आप भूसा के जिस समय भिगवाए थे उसमें कोई केमिकल भी मिलाए? जी नहीं, केमिकल की कोई जरूरत नहीं है। केमिकल कोई जरूरत नहीं? नहीं, विदाउट केमिकल। भूसा को सिर्फ सादा पानी में भिगा कर और चूल्हा पर गर्म कर दीजिए, जब इसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाए तो उसको बाहर निकाल दीजिए। निकाल कर थोड़ा पसार दीजिए 24 घंटा यहाँ तक। नहीं, कम से कम 6 घंटा कम से कम एक जमा रहना चाहिए। 6 घंटा पहले जमा रहना चाहिए। इसलिए जमा रहना चाहिए कि ताकि वो गर्म भूसा को तुरंत पलटने के बाद उसको पसारने के बाद उसमें के सारी जीवाणु नहीं मरते हैं। उसके लिए हमने 6 घंटा तक जब जमा रखते हैं तो उसमें के गर्मी के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे सारी जीवाणु उसमें के मर जाते हैं, समापन हो जाते हैं। तब हम उसको बाद में हल्का पसारते हैं और ज़्यादा फैलाते नहीं हैं, सुरक्षित जगह पर हमने ठंडा जगह पर पसाते हैं कि ताकि हमारा नमी धीरे धीरे समाप्त हो और उसके बाद हम ज़्यादा नमी रहने पर खराब हो जाता है। हाँ, खराब, इसी तरह से नमी रहना चाहिए। हाँ, नमी रहना चाहिए, इतना ही नमी रहना चाहिए। हाँ, जी इतना ही नमी रहना। तो अब आप क्या कर रहे हैं, ये जो बैग पैकिंग करवा रहे हैं? हाँ, पैकिंग। तो बैग पैकिंग करवा, इसमें जो अथी का मशरूम का जो बीज है वो पहले ही पे इसी में मिलवा देते हैं कि क्या कैसे करते हैं? आधा बीज बोले हैं ना, तो 5-10 किलो में आधा किलो 500 ग्राम बीज मिलाते हैं और 500 ग्राम को लेयर बाय लेयर हम बैग बनाते हैं। हाँ, तो यही हम तो ठीक है। किस तरह से आप लेयर बाय लेयर बैग बनाते हैं? ये हमने मिला दिए हैं, आधा किलो बीज को हमने मिला दिए हैं। हम क्या करते हैं देखिए, या देखिए ऐसे ऐसे हम लोग एकदम जांच दिए, लाइए बीज दीजिए। तो यही स्पान है जो बीज होते हैं, इसको स्पान कहते हैं। इसका मशरूम का अपना कोई पर्सनल बीज नहीं होता है, यह स्पान होता है, यह कवक होते हैं, ये फंगस जो होते हैं। ये फंगस क्या करता है कि एक फैलता है, जैसे गेहूं पर, बाजरा पर, धान पे, इस सब पर यह फंगस को फैलाया जाता है। बीज बनाने का भी प्रक्रिया है, लंबा प्रक्रिया है, और हमने इसको फंगस को फैलाते हैं। और वो फंगस को ही हमें क्या काम करते हैं कि हमें भूसा में मिलाते हैं। भूसा में मिलाने के बाद में इसमें एक फंगस पड़ता है, तब कवक बनता है और उसमें से मशरूम निकलना। इसको खोल के आप दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, खोल के दिखाएंगे। हल्का तोड़ते हैं कि ताकि हमारा इसका जो फंगस है
वो नुकसान जीवाणु जो है उसका नहीं हो। इसमें हमें क्या है कि लेयर बाय लेयर जब हम तो सबसे पहले आप इसको बीज को थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से बीज है। ये देखिए बीज जो है ये बीज हमारा गेहूं पर तैयार किया गया है। बीज गेहूं पर तैयार किया गया। गेहूं पर तैयार किया गया है जो उजला उजला है यही है। हाँ यही है कवक। यही कवक है। यही कवक गेहूं में तैयार करते हैं। हाँ गेहूं में तैयार। तो ये जो देख सकते हैं आप यही है बीज और ये जो गेहूं है गेहूं के ऊपर एक कवक है। अब देख लीजिए किस तरह से अपना पैकिंग करते हैं। इसको भी रखिए आप अपने से देखिए पहले सब आदमी देखिए कितना रखाता है उसके बाद तब बीज रखाएगा एक लेयर के हिसाब से। आधा 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 पोलोथीन आधा से कम तीन चार लेयर बनता है। एक लेयर हो गया। एक लेयर हुआ। दूसरा लेयर हो रहा है फिर दूसरा लेयर हो रहा है। इसी तरह से कर करके यानी एक बैग में कितना बीज डाल देते होइएगा। एक किलो भूसा में 100 ग्राम बीज डलाता है। एक किलो भूसा में 100 ग्राम बीज। तो ये जो बैग आप बना रहे हैं किलो कै के जी भूसा का बैग बना रहे हैं। 1.5 किलो का लगभग। 1.5 किलो भूसा का। तो 1.5 किलो भूसा में तो 150 ग्राम बीज रखेंगे आप। हाँ हाँ 150 ग्राम बीज में क्या लेयर आप बनाते हैं। 3 से 4 लेयर। 3 से 4 लेयर। ये देख सकते हैं आप किस तरह से लोग मशरूम के तैयारी में लगे हुए हैं। भूसा इसमें जा रही है बीज। देखिए दीदी यही बना। दो बेर भूसा कहाँ एक बेर रखे हैं भीतर में। क्या तो चलिए आपको हम फिर एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं जो कि आपके बताएंगे कि किस तरह से मशरूम अपने घर में बनाया जाता है। तो आपका मशरूम बनाने से जो है ना किसान को बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले सर आप पहले बात है कि अपने बारे में बताइएगा। ये हम लोग वहाँ से सीख के आया है कृषि विज्ञान केंद्र से। कृषि विज्ञान केंद्र से वहाँ से सीख के यहाँ गाँव में जो दीदी है या जो किसान भाई उनको बताते हैं बता रहे हैं हम लोग। लाइए बिया कहाँ से तो बताइएगा ना कुछ कम कीजिए इतना कम। अरे बहुत फायदा होगा लोग ले जा करके बाजार में बेचेगा बेचेगा खाएगा अपने खाएगा। इसमें कोई केमिकल दवाई का उपयोग नहीं किया जा रहा है इसलिए बहुत फायदा मंद है। शुद्ध है। आप भी क्या कर रहे हैं अभी मशरूम में क्या तैयार कर रहे हैं बनाने के लिए। हां मशरूम तैयार कर रहे हैं। क्या हो गया लूर कब सीखिएगा। हां हम अपने मोहल्ला में यहां 4 ग्राम है। 4 ग्राम में 4 ग्राम के 6 नंबर वार्ड है। यहां हम लोग मशरूम उत्पादन ट्रेनिंग सेंटर यहाँ खुला है। मशरूम उत्पादन का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ खुला है। हम अपने मोहल्ला से लगभग 25 किसान दीदी से किसान भाई से मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। भूसा उबाला गया था आज जो है इसका पैकिंग किया जा रहा है। हाँ वो में से जाते लेयर बाय लेयर इसका पैकिंग होता है। ना धीरे धीरे लोग सब सीखेंगे आप कम कीजिए। हाँ ठीक है इतना काटे काटे रखती है देखे ना हम काटे काटे रखते हैं दीदी एकदम काटे 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 रखिएगा तब निकलेगा काटे काटे बीच में ना निकलता है। ठीक दूसरा लेयर हो गया रखिए लीजिए दीदी बीच में नहीं रखना है काटे काटे रखना। हाँ काटे काटे रखना बस वैसे ही हो गया दीदी बस वैसे ही। हाँ हाँ बहुत ज्यादा हो गए हैं देखिए ये केना रखे हैं।
लिखना चाहिए बाहर से। पंडित जी आपका क्या नाम है? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी आप क्या कर रहे हैं? किताब रखिए ना, बैग किताब भूसा रखिए ना, सीख रहे हैं और उनको तैयार भी कर रहे हैं। हाँ आप भूसा रखोगे? एक ये भूसा है, ये जो आप डाल रहे हैं ये क्या है? बीज है। तो इसको आप तोड़े हैं क्यों? लाइए तोड़े तीन बार रखा गया। अरे दीदी आपको कैसा लग रहा है जो मशरूम उत्पादन के लिए अपने आप को आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं? तो अच्छा लग रहा है। तीन तो हो गए, देखिए दीदी तीन सौ वो कहने से 300 नहीं होता है, एक सौ में इतना हुआ। हाँ हाँ ठीक है, एक सौ में इतना हुआ, दूसर का सौ में देखिए दीदी। पूछ लीजिएगा निशान करते हैं, निशान 300 देखिए देखिए दीदी 300 में हम कहाँ तक आ गए। ना 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 यही में हो जाते। हाँ रखिए तो दिया कि ऑफिस में लेगा। कौन सी महिला था? कौन मिला था? रुकिए ना दीदी, कहाँ चला गया भूसा? भूसा है देख रहे हैं रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जुटे हुए हैं मशरूम उत्पादन में। इन लोगों का कहना है कि लोग राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा से ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं और यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और खुद से बनवा भी रहे हैं। जो कि इनका कहना है कि ये बैग है, एक किलो का बैग है, इसमें 3 से 4 लेयर बनता है। देख लीजिए बिल्कुल किस तरह से लोग पैकिंग करने में लगे हुए। राजेश जी ये तो आप बैग पैकिंग करवा दिए, अब बैग पैकिंग के बाद क्या इसमें कोई दवा का छिड़काव भी करिएगा? कोई दवा की छिड़काव की जरूरत नहीं है। पानी को हर दिन थोड़ा थोड़ा देना होता है कि नमी बना कर, सिर्फ पानी देना है नमी बनने के लिए। इसमें जो बाहरी जो कोई जीवाणु कीटाणु के लिए कोई स्प्रे नहीं कीजिएगा? उसके बाहरी जीवाणु कीटाणु स्प्रे अटैक उतना नहीं करता, अगर करता है तो उसके लिए फॉर्मोलिन दवा आता है 1 लीटर पानी में 4 ml के हिसाब से। तो इसको आप कहाँ पर रखेंगे? नीचे जमीन में रखवाएंगे? नहीं कोई ईटा रख कर या तख्ता रख के जमीन से थोड़ा ऊंचा करके रखेंगे, जमीन के उसे ऊंचा करके रखेंगे। बाहर रखेंगे कि घर के अंदर? ठंडा जगह पे रखेंगे, ठंडा जगह सुरक्षित रहे। तो ये तो आपको हम दिखाए हैं कि मशरूम किस तरह से उत्पादन होता है, कौन कौन सी सामग्री लगता है, और इसी तरह से जानकारी के लिए आप हमारे जुड़े रहे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।